ये तो हमें पता है कि सांपों की कुछ प्रजातियों में काफी घातक जहर होता है, लेकिन प्रकृति में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो सांपों के जहर को बेअसर कर देते हैं। शेर और हाथी जैसे बड़े जीवों को मार देने में सक्षम, उस जहर को नाकाम कर देने वाले जीव काफी छोटे हैं, क्योंकि जहर को बेअसर करने की क्षमता उनके साइज पर नहीं बल्कि प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पर निर्भर करती है। इस लिस्ट में पहला जीव नेवला है। किससे कहानी और किंवदंतियों में नेवले और सांप की कहानियां तो खूब सुनी होंगी। सांपों को मारने की क्षमता इसे लोकप्रिय बना दिया है। एक तो यह बहुत ही फुर्तीला है जो सांपों के पकड़ नहीं आता। दूसरा, इनका विकसित इम्यूनिटी जो सांपों के जहर से लड़कर इसे सुरक्षित रखता है। दूसरे जीव की बात करें तो वो हेजहॉग है। इम्यूनिटी इसकी कारगर होती है, लेकिन वाइपर के काटने पर मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। तीसरा जीव है हनी बैचर। काफी क्रूर रक्षात्मक क्षमताओं के कारण इसके वैसे भी काफी कम प्राकृतिक शिकारी हैं। यह अफ्रीकन रॉक पाइथन को मारते देखा गया है, तथा ब्लैक माम्बा को यह मारकर खा भी जाता है, जो दुनिया के सबसे तेज सांप के साथ साथ खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक रखने वाला काफी अग्रेसिव स्नेक है। सांपों के जहर के अगेंस्ट इन तीनों के जैसे किसी की इम्यूनिटी नहीं होती। कुछ और जानवरों की बात करें जो सांपों के जहर को एक हद तक रजिस्ट कर सकते हैं, तो उनमें पिग्स आते हैं, यानी कि पालतू सुअर। ये भी कुछ हद तक सांपों के जहर को बेअसर कर देते हैं, लेकिन पिग्स बाकी तीनों जैसा सांपों के जहर का मुकाबला नहीं कर सकते। गार्डन डाम हॉर्स वाइपर के जहर को बेअसर कर सकता है, और कैलिफोर्नियन ग्रॉन्ड गिलहरी की कुछ आबादी आंशिक रूप से रैटल स्नेक के प्रति इम्यून है।